एक आदमी मुबतला है बदनजरी के अंदर, तो वो पूछता है कि मैं किस तरह इस बदनजरी को छोड़ूं। तो फिर कोई मालिज उसको इलाज भी बताता है कि इसका रास्ता यह है, इसका तरीका यह है। उस तरीके के ऊपर अमल करने से, अगर उस तरीके पर अमल करेगा तो इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता वो छूट जाएगा। वो तरीके अगर हम बाहम बैठकर, एक साथ बैठकर उनका मुजाकरा करें और उनसे उनका उनको आपस में एक दूसरे से जिक्र करें, तो कुछ बईद नहीं है कि अल्लाह तबारक बताला उनके जरिए हमें इस बला से निकाल दे। अब ये हमारे इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें इस्लाह नफ्स के लिए हमारे तजर्बे के मुताबिक हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू ने जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो अपना वरसा छोड़ा है, वो शायद इस वक्त इस्लाह नफ्स के लिए उससे ज्यादा मुअस्सिर और उससे ज्यादा मुफीद चीज कोई और मुझे नजर नहीं आती। उनके यहां एक मुस्तकिल सिलसिला ऐसा रहा कि लोग उनके पास जाते थे, उनके सोहबत में रहते थे, उनके साथ इस्लाही ताल्लुक कायम करते थे, उस इस्लाही ताल्लुक के नतीजे में अपने हालात बयान करते थे कि मेरे साथ ये मामला हो रहा है, मेरे साथ ये मामला हो रहा है, मुझे इस गुनाह की तरफ रगबत हो रही है, मुझे इस गुनाह का ध्यान हो रहा है। हजरत वाला उसका जवाब देते थे और वो जवाब जो है ये पहली बार सारी तसव्वुफ की तारीख में वाहिद मिसाल है कि शेख और मुरीद के दरमियान जो खत्तो किताबत होती और जो वो सवाल करते और हजरत जवाब देते उसको मुदव्वन कर लिया गया, उसको मुरत्तब कर लिया गया। लिहाजा नफ्स और शैतान के जो हमले मुख्तलिफ गुनाहों की शक्ल में होते हैं, कभी आंखों का गुनाह, कभी जबान का गुनाह, कभी हाथ का गुनाह, कभी कभी इंसान के बातिन का गुनाह, वो सारे के सारे हजरत वाला की खिदमत में लोग पेश करते थे और पूछते थे कि मैं इस बला में मुब्तला हूं, कैसे निकलूं। हजरत उसका इलाज का जवाब देते थे कि उसके मुनासिब हाल क्या तरीका हो सकता है वो बताते थे। वो सारे मुआलजात और सारे सवालों जवाब पहली बार इस पूरी तसव्वुफ की तारीख में पहली बार ये काम हुआ कि शेख और मुरीद के दरमियान जो खत्तो किताबत हुई वो महफूज कर ली गई और उसको मुदव्वन करके अब्वाब की शक्ल में तरबियत-उस-सालिक के नाम से दो जिल्दों में किताब तैयार हो गई। और उसमें जितने नफ्स के हमले के जितने रास्ते होते हैं वो सारे के सारे उसे मौजूद हैं। अखलाक हमीदा किस तरह हासिल किया जाए और अखलाक रजीला से किस तरह बचा जाए, वो सारे मुआलजात वो उसके अंदर मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत वाला से एक तजदीदी काम लिया कि हम जैसे लोगों को जिन हालात से साबका पेश आता है और नफ्स शैतान के जिन मकायद से हम दो चार होते हैं, उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका कि उसमें इलाज मौजूद ना हो और उसको लोग अमल करें तो उससे बच सकते हैं। तो इसलिए हम इस मजलिस के अंदर दरहकीकत उन्हीं की तालीमात और उन्हीं के मलफूजात और उन्हीं के बताए हुए तरीकों को का मुजाकरा करते रहें तो कुछ बईद नहीं है कि अल्लाह तबारक वताला हमें नफ्स और शैतान के हमलों से बचा ले। अब ये कुछ तो जाहिरी गुनाह होते हैं, जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि आंख का गुनाह, जबान का गुनाह है, जबान का गुनाह भी जाहिर का गुनाह है कि गीबत, ये ऐसी बला है कि कोई ही मजलिस हमारी मुश्किल से खाली जाती होगी जिसमें किसी की गीबत ना हो रही हो। हालांकि हदीस में इसको जिना से बदतर जुर्म करार दिया गया, लेकिन हमारी मजलिसों में गीबतें होती हैं।
अब कैसे बचें उससे और उसका क्या तरीका हो, ये भी मुजाकरे का एक हिस्सा है कि जिसके जरिए हम कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें इस बला से बचाए। इसी तरह कुछ गुनाह हैं जो बातिन के, और वो बातिन के गुनाह जो हैं वो जाहिर के गुनाह से ज्यादा सख्त हैं। मिसाल के तौर पर कोई इबादत बगैर इखलास के कबूल नहीं होती, जब तक वो नेक नियति से अल्लाह तबारक व ताला की रजा के खातिर अंजाम न दी जाए। तो अगर अल्लाह की रजा की नियत है तो इखलास है, और अगर उसमें रियाकारी है, दूसरे को दिखावा है, तो वो इबादत बेकार है, बल्कि गुनाह है, बल्कि बाद रिवायतों में उसको शिर्क से ताबीर किया गया है कि मन सल्ला युराई फकत अशरक बिल्लाह, जो रियाकारी के लिए नमाज पढ़े उसने गोया अल्लाह के साथ शरीक किया मखलूक को। मन साम युराई फकत अशरक बिल्लाह, जो दिखावे के लिए रोजे रखे तो उसने गोया अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया। अब यह रियाकारी जो है ये एक ऐसा जबरदस्त गुनाह है जिसका ताल्लुक आजाओ जवारे से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक दिल से है, इरादे से है, ये बातिन का गुनाह है। इसी तरह किब्र है, यानी तकब्बुर, अपने आप को दूसरे से बड़ा समझना, दूसरे से अफजल समझना, ये ऐसी मुसीबत है कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है, बहुत से अमराज की जड़ है। इसी किब्र के नतीजे में गुस्सा होता है, और गुस्से के अंदर आदमी हदूद से तजावुज कर जाता है। इसी किब्र के नतीजे में दूसरे की तौहीन करता है। इसी किब्र के नतीजे में दूसरे को बुरा भला कहता है, गाली देता है, दूसरे की इज्जत पर हमले करता है, उसकी पगड़ी उछालता है। ये सारी जो बुराइयां और गुनाह हो रहे हैं वो किब्र की वजह से हो रहा है। अब किब्र ऐसी बीमारी है कि बसा औकात खुद मुतकब्बिर को मालूम नहीं होता कि मैं तकब्बुर में मुबतला हूं, किब्र में मुबतला हूं। बाज औकात वो समझता है, कोई मुतकब्बिर दुनिया में शायद ऐसा नहीं होगा जो ये समझता हो मैं मुतकब्बिर हूं, वो तो अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक समझता है। अगर ठीक ठाक न समझता तो तकब्बुरी क्यों करता। वो ये समझता है कि मैं बहुत ज्यादा मैं सही रास्ते पर हूं, और दूसरों से ज्यादा मैं जानता हूं, दूसरों से ज्यादा मैं इल्म रखता हूं, दूसरों से ज्यादा मैं सही अमल करता हूं। ये किब्र की बीमारी अगर पैदा हो जाती है तो खुद इंसान को उसका बसा औकात पता नहीं लगता। तो क्या होता है कि उसमें जो शेख होता है या जिससे के जो मालिज होता है वो पहचानता है कि इसमें किब्र है या नहीं है, और फिर उसका इलाज भी तजवीज करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से वो क्या क्या इलाज होते हैं किब्र के, वो भी हजरत वाला ने अपने मवाइज में, मलफूजात में, तरबियत सालिक में उनका तफसीली बयान फरमाया। हसद है, हसद पैदा हो जाता है, और ये बीमारियां जो मैं जिक्र कर रहा हूं अल्लाह बचाए ये अहले इल्म में ज्यादा होती। यानी मसलन अहले इल्म है और उनके दिल में ये तसव्वुर पैदा हो गया कि मैं दूसरों के से आगे बढ़ जाऊं और शोहरत मेरी ज्यादा हो जाए, लोग मुझे ज्यादा मुकद्दस समझें, लोग मुझे बड़ा ज्यादा बड़ा आलिम समझें, ये इखलास के खिलाफ रियाकारी हो गई, हुब जाह हो गया। इसी तरह बाज़ औक़ात जब आदमी किसी इल्म में अल्लाह तबारक व ताला ने उसको कोई मकाम दे दिया, यानी कोई इल्म अच्छा उसको हासिल हो गया, तो वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हो गया, और मैं दूसरे जो हैं वो मेरे आगे कुछ भी हकीकत नहीं रखते इल्म के एतबार से, ये किब्र पैदा कर देती है। तो ये सारी बीमारियां बसा औकात अहले इल्म के अंदर भी पैदा हो जाती हैं, हुब जाह की बीमारी, किब्र की बीमारी, और रियाकारी की बीमारी, शोहरत पसंदी।
शोहरत पसंदी कि मेरी शोहरत हो जाए लोगों में। और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो शख्स अपनी शोहरत की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी बदनामी कर देते, वो बदनाम हो जाते आखिरत में। तो ये सारी बीमारियां हैं जिनमें हम लोग नफ्स और शैतान के असर से मुबतला हो जाते हैं, और उनका जब तक इलाज न किया जाए तो ये नफ्स और शैतान हमें बहकाकर अल्लाह बचाए जहन्नम के गढ़े की तरफ ले जाते। तो बाहम अगर मुजाकरा होता रहे और हम एक दूसरे से इन बातों का तज़किरा करते रहें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता ये बातें हमारे दिलों में उतर जाएं और हम जिन बुराइयों में गलतियों में मुब्तला हैं उनकी इस्लाह हो जाए। हसद है, मैं जैसे हसद का जिक्र कर रहा था, तो हसद ये एक ऐसी बीमारी है कि अक्सर व बेशतर पैदा हो जाती है। किसी आदमी को दुनिया के अतबार से माल ज्यादा मिल गया, दुनियावी मर्तबा उसको हासिल हो गया, मुझे हासिल नहीं हुआ, तो मेरे दिल में जलन पैदा हो जाती है उसके खिलाफ। किसी के इल्म का शोहरा ज्यादा हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि भाई ये मुझसे आगे बढ़ गया। किसी आदमी को अगर अच्छी गाड़ी मयसर है तो वो ये सोचता है कि भाई ये मुझसे आगे बढ़ गया, मैं मुझे क्यों ना हुई। इस किस्म की जो कैफियत हैं वो इंसान के दिल में हसद पैदा कर देती हैं। तो इसका क्या इलाज होगा, किस तरह उसका इलाज किया जाएगा। इसी तरह बुग्ज़ हो जाता है, किसी इंसान से ऐसी नफरत हुई कि बुग्ज़ हो गया। बुग्ज़ के माना यह कि अब मैं चाहता हूं कि ये जलील हो, ये खार हो, इसको तकलीफ पहुंचे, इसको दुनिया के अंदर बदनाम हो, ये बुग्ज़ पैदा हो गया किसी का। और ये बुग्ज़ ऐसी मुसीबत है, अल्लाह बचाए, कि हदीस में आता है कि शबे कदर में अल्लाह तबारक बताला इंसानों की मगफरत फरमाते हैं इतने ज्यादा इंसानों की कि जितने बनू बकर बनू कल्प की बकरियों के जिस्म पर जो बाल है। बनू कल्प की एक कबीला था, उसकी बकरियां बेशुमार थी और हर बकरी के ऊपर बेशुमार बाल थे। तो फरमाया कि शबे कदर में इतने लोगों की मगफरत फरमाते हैं जितना बनू कल्प की बकरियों के बाल हैं, लेकिन दो आदमियों की मगफरत का फरमाया नहीं होती उसमें। एक वो कि जो पांव अपना पाजामा टखनों से नीचे रखे और जो किब्र की अलामत है, और दूसरे वो जो दूसरे से किसी से बुग्ज रखता हो। बुग्ज रखने के माना क्या है, दूसरे की बदखाही, दूसरे की के बारे में ये तसव्वुर करना कि इसके पास माल है तो वो चला जाए, या इसके पास अगर इज्जत है तो वो इज्जत चली जाए, या अगर मशहूर है तो इसकी शोहरत खत्म हो जाए, या अगर कोई भी अच्छाई इसके पास है वो जाहिर हो जाए। बदखाही किसी की, ये ऐसी खतरनाक चीज है कि शबे कदर में भी ऐसे आदमी की मगफिरत नहीं होती। लेकिन बहुत सी मर्तबा हम मुब्तला हो जाते हैं, किसी आदमी के साथ बुग्ज हो गया। अब किसी खास वजह से बुग्ज हो, अगर इस वजह से बुग्ज है कि वो मिसाल के तौर पर कोई बहुत फासिक फाजिर है, और फासिक फाजिर होने की वजह से फिस्क और फजूर की वजह से बुग्ज है, तो ये तो ऐन ईमान का तकाजा है कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और बुग्ज भी अल्लाह के लिए हो। लेकिन किसी की जात से बुग्ज हो जाना, क्या अगर वो अपनी इस्लाह भी कर ले तब भी मैं तो इसको बदखाही करूंगा इसके साथ, तो ये बुग्ज ऐसी चीज है कि जो इंसान को अल्लाह ताला की मगफिरत से भी रोकती है। ये सख्त बीमारी है। तो ये जो हम लोग नफ्स और शैतान के हमलों का शिकार हैं मुस्तकिल, अपने आमाले जाहिरा में भी और अपने आमाले बातिना में भी, और बातिना में ज्यादा जाहिरा में कम। मैं उस इस माहौल की बात कर रहा हूं
जो हमारा अपना माहौल है, कि उस माहौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो जाहिरी अमाल हैं वो करने की तौफीक हो जाती है, जैसी कैसी होती है, लेकिन वो भी अल्लाह ताला का करम है, फजल है, इनाम है कि वो तौफीक हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान का महीना आता है रोजा रख लेते हैं, जब हज का के लिए इस्तात होती है तो हज कर लेते हैं, उमरा कर लेते हैं। ये जाहिरी अमाल बज़ाहिर दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन इन जाहिरी अमाल की जो रूह है कि वो अल्लाह के लिए हो, इखलास से कामिल हो और उनके अंदर खुशू हो, ताल्लुक मा अल्लाह हो, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत हो, अल्लाह तबारक व ताला का की तरफ रुजू करने की तौफीक हो, ये सारी बातें जो हैं ये इन अमाल में रूह पैदा करती। वो रूह कैसे पैदा हो, तो उसका ही ताल्लुक उसी को ये मौजू है तरक्की का, तसव्वुफ का नाम, उसका तसव्वुफ रख लो, तरीकत रख लो, सुलूक रख लो, एहसान रख लो, तज़किया रख लो, जो चाहे उस ताबीर कर लो, लेकिन अमाल के अंदर रूह पैदा करना जो अल्लाह ताला के यहां मकबूल होने की शर्त है, यह है असल मकसूद। इसी तरह उन गुनाहों से बचना कि जो जाहिर के गुनाहों से भी बचना और बातिन के गुनाहों से भी बचना, यह है दूसरा अजीम मकसूद। उसको किस तरह हासिल किया जाए, उसके कुछ तरीके हैं जो बुजुर्गों ने बताए हैं, उसके तरीके हैं जिनकी तलकीन फरमाई गई है और खासतौर पर हज़रत अकील उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि के मवाइज में, मलफूजात में, उनके खतूत में ये चीज मौजूद है। उसका अगर हम बहम मुजाकरा करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है उसकी रहमत से कि मुजाकरा करने के नतीजे में हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो, हिम्मत पैदा होगी तो फिर हिम्मत ही तमाम कामों की असल और बुनियाद है। जहां कहीं गलती होती है या शैतान और नफ्स का गलबा होता है, वो इस वजह से होता है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं शैतान का मुकाबला करने की, नफ्स का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। जब वहां में बैठते हैं और मुजाकरा होता है तो उससे कुछ हिम्मत में बेदारी पैदा होती, हिम्मत में बेदारी पैदा होती है तो फिर शैतान और नफ्स से मुकाबला भी आसान हो जाता है, रफ्ता रफ्ता आदमी उसका आदि बन जाता है। तो हमारा जो इस इज्तिमा का असल मकसूद है वो हिम्मत पैदा करना। काहे की हिम्मत, के मामूरात की पाबंदी और मनहियात से यानी गुनाहों से बचने की कोशिश, इसकी हिम्मत पैदा करना। ये हिम्मत बाहमी मुजाकरे से और बार बार एक बात के सुनने और कहने से वो हिम्मत बेदार होती है। हिम्मत बेदार होती है तो वो सारे कामों की जड़ है। आदमी अगर कोई ताअत अंजाम देता है उसके लिए हिम्मत की जरूरत है, अगर किसी गुनाह से बचता है तो हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत हर हाल में जो बुनियाद है वो हिम्मत को मजबूत करना है, हिम्मत को तकवियत पहुंचाना है, हिम्मत को ताजा करना है। तो ये मजलिस जो है दरहकीकत इस काम के लिए है। अब उसमें बाज़ औक़ात हम किसी कोई आयत ज़हन में आ जाती है उस पर बात कर लेते हैं, कभी हदीस आ जाती है उस हदीस पर बात कर लेते हैं, कभी किसी बुजुर्ग का मकबूला आ जाता है उस पर बात कर लेते हैं। मकसूद सबका हिम्मत ताज़ा करना, ताकि हम उस हिम्मत को इस्तेमाल करके शैतान और नफ्स के हमलों से बच सकें। यह है मकसूद इस इज्तिमा का, यह इस मजलिस।